हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके यहाँ लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों के पतोड़े। मैंने यहाँ सबसे पहले पत्तों को धो लिए हैं पानी से, एक एक करके आपको धो लेना है पत्तों को। यहाँ मैं 6-7 मिर्चें काटूँगी बारीक बारीक। फिर सबसे पहले बेसन को छान लेंगे हम रात में, जिसमें भी आपको छानना है। फिर इसमें मिर्ची डाल देंगे हरी और डाल लेंगे नमक। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाली है यहाँ। यहाँ मैंने धनिया लिया है 1 चम्मच। अब देखना, ये डाली है मैंने अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन ली है। थोड़ी सी हींग डाली मैंने, 1 चम्मच मिर्ची डाली है। ये डाला थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच। ये डाली है 1 चम्मच हल्दी। अब इनको पानी में डालकर घोल लेंगे बेसन को। इसको अच्छे से घोल लेना है और ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, ठीक होना चाहिए इस तरह से। देखिए, अब हम लेंगे कुछ भी हो, कुकर में चम्मच रखेंगे इस तरह से। किसी पास स्टैंड होता है रखने का, स्टैंड रखता है, मैं चम्मच रखे हैं। और इसमें रखेंगे 3 गिलास पानी, बड़ा गिलास, 3 बड़े गिलास पानी रखेंगे। अब मैंने पत्तों को इस तरह से उल्टे किया और इस तरह से मैंने बेसन लगा लिया। अब दूसरा पत्ता भी मैंने रखा है इसी के ऊपर, उसको भी बेसन लगा लेंगे उस पर। और इसको साइडों से मोड़ देंगे इस तरह से। इसको भी हम बेसन लगाएंगे। मैं एक हाथ से कर रही हूँ, आपको दोनों हाथों से करने में परेशानी नहीं होगी। इस तरह से मोड़ देंगे। अब इसके ऊपर जो है लास्ट में सबसे अच्छा बेसन लगाएंगे इस तरह से। मैं सब इसको अच्छी तरह से बेसन लेप दिया है। अब इसको लगा देंगे लाइन से कुकर में। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे हाथ पे लेके। तेल जरूर डालना, चिपकते नहीं आपस में ये। अब इसमें 2 या 3 सीटी लगा देंगे। सीटी हमारी लग चुकी है, इसको खोल कर देख लेंगे। देखो इस तरह से हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि लगने लगे हैं तो खुशबू आने लगी होती है, आप निकाल सकते हैं। और मैं एक एक करके ही निकाला, कुकर को उल्टा करके लौट लेंगे कपड़े से पकड़ कर। सब बाहर निकल के आ जाएंगे। फिर इसको पंखे के नीचे रखना है ठंडा करने के लिए। धीरे धीरे इसको हटाने हैं इस तरह से। और फिर ये ठंडे हो जाए चाकू से काट लेंगे। मैंने चाकू से काट लिए। अब इसको छोक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। मैंने ये तेल डाल के जीरा भून लिया है। ये मैंने 3-4 हरी मिर्चें भुनी हैं और इसको हम भून लेंगे इस तरह से।